Once again, welcome back to all of you. Today in this video we will talk about a chapter of class 3rd SST. बच्चों पिछले वीडियो में चैप्टर 9 मैंने लाइन बाई लाइन रीड किया और उसे एक्सप्लेन किया था. अब चैप्टर 10 जिसका नाम है ब्यूटीफुल होम्स. टुडे आई विल टॉक अबाउट दिस चैप्टर. तो आप लोग भी अपनी बुक ले लें या पहले इस वीडियो को देख लें, उसके बाद अपने से बुक रीडिंग कीजिएगा. और इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. लुक एट द पिक्चर. दिस हट बिलोंग्स टू चंद्रा, राजू एंड मधु. इस पिक्चर को देखिए. यह जो हट है, झोपड़ी, ये राजू और मधु, चंद्र राजू और मधु का है. दे लिव इन ए विलेज नियर हुबली इन कर्नाटका. कर्नाटका में एक स्थान है हुबली, उसी गांव में ये रहते हैं. दे कलेक्ट बीटल नट्स एंड सेल देम इन द विलेज. बीटल नट्स मीन्स होता है बेटा सुपारी. पान में जो डालकर नहीं खाते हैं कुछ लोग, तो उसे बीटल नट्स कहते हैं. तो ये जो चंद्रा, राजू और मधु थे, ये बीटल नट कलेक्ट करते थे और फिर उसे बेचते थे गांव में. दे आर पुअर, बहुत गरीब हैं ये. दे मेड देयर हट विद मड एंड टैच्ड रूफ. मेड माने होता है बनाना. उन्होंने अपना ये जो झोपड़ी है, हट माने झोपड़ी, तो अपनी झोपड़ी को उन्होंने मड और टैच्ड रूप से बनाया है. कीचड़ से, मिट्टी से बना हुआ है ये वाल, और ऊपर जो है टैच्ड रूप बनाया है, मतलब लकड़ी खरपतवार से, पुआल से इन्होंने अपनी छत बना रखी है. दे पेंटेड द वॉल्स ऑफ द हट विद लवली पैटर्न्स. उन्होंने अपने घर का जो वाल है वो बहुत ही मतलब अच्छे अच्छे पैटर्न देखिए यहाँ बना रखा है उसने. पैटर्न मीन्स डिजाइन. दे प्लांटेड रोज एंड जैस्मिन्स अराउंड द हट. अपने झोपड़ी के आसपास, हट के आसपास उन्होंने रोज का और जैस्मिन का प्लांट का ट्री भी लगा रखा है, प्लांट्स लगा रखे हैं. दे क्लीन द हट एवरी डे विद ए ब्रूम. ब्रूम मीन्स होता है झाड़ू. एवरी डे मीन्स हर दिन, और क्लीन मीन्स साफ. वे हर दिन अपनी झोपड़ी को, अपने हट को ब्रूम यानी झाड़ू से साफ करते हैं. और वो झाड़ू किस चीज़ का बना होता है? ड्राइड पाम लीव्स. पाम लीव्स का मतलब बेटे खजूर के पत्तों से बना रहता है, कुछ इस तरह से आप समझिए. हम लोगों के घरों में भी देखने को मिल जाता है, जिसको लोकल लैंग्वेज में कूची भी कहते हैं. तो उस तरह का इनके पास एक ब्रूम है, झाड़ू, जिससे वो अपने हट को रोज साफ करते हैं. द साइज ऑफ ए हाउस डज नॉट मैटर. घर कितना बड़ा है या छोटा है, इस बात से कोई मतलब नहीं होता. बेटा जैसा कि मैंने बताया कि द साइज ऑफ हाउस डज नॉट मैटर, जो घर का साइज होता है ना वो कोई मैटर नहीं रखता, बहुत बड़ी बात नहीं है वो. वी मे लिव इन ए स्मॉल और ए बिग हाउस बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इट क्लीन. घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसकी सफाई रोज होना बहुत जरूरी है. क्लीन मीन्स सफाई. वी शुड स्वीप अवर हाउस एवरी डे एंड वाइप द फ्लोर्स. देखिए स्वीप मीन्स होता है झाड़ू लगाना, ब्रूम मीन्स झाड़ू, और स्वीप मीन्स झाड़ू लगाना. तो हम लोगों को रोज अपने घर में झाड़ू लगाना चाहिए. एंड वाइप द फ्लोर्स, वाइप मीन्स पोछना, और फ्लोर्स को पोछना चाहिए. द फर्नीचर एंड अदर थिंग्स शुड बी डस्टेड एवरी डे. तेरे शुड बी, शुड वर्ड यूज हो रहा है हर जगह, इसका मतलब होता है चाहिए, ऐसा करना
चाहिए। तो एक घर फर्नीचर और जो घर के और भी सामान है उनको भी रोज डस्टेड यानी उनका डस्ट रोज हटाना चाहिए। द ड्रेन शुड बी कवर्ड एंड क्लीन रेगुलरली। ड्रेन मीन्स होता है नालियाँ, घर से जो पानी निकल रही है नाली के थ्रू पानी बाहर, तो वो ड्रेन यानी वो नाली ढकी हुई होनी चाहिए और उसमें पर्याप्त पानी और उसकी सफाई का ध्यान दिया जाना चाहिए। नो वेस्ट मटेरियल शुड बी थ्रोन इन द ड्रेन्स। जो ड्रेन्स हैं जो नालियाँ हैं उनमें हमको कभी भी कोई किसी भी तरह का वेस्ट नहीं फेंकना चाहिए, नहीं तो नाली जाम हो सकती है। ठीक है। द वॉल्स ऑफ आवर हाउस शुड बी पेंटेड। हमारे घरों की दीवारें पेंटेड होनी चाहिए, वो पेंटेड होनी चाहिए। ठीक है। द डोर्स एंड विंडोज शुड हैव कर्टेंस। जो खिड़की और दरवाजे हैं, डोर मीन्स दरवाजा आपको पता है, विंडो मीन्स खिड़की और कर्टेन मीन्स पर्दा, तो जो दरवाजे और खिड़कियां उन पर पर्दे होने चाहिए। दिस शुड अलाउ ब्रिज एंड सनलाइट टू इंटर आवर हाउस। ब्रिज का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे जो हवा चलती है बच्चों, जो हमें थोड़ी ठंडक का एहसास कराती है, उसको कहते हैं ब्रिज। ठीक है, ब्रिज एयर। और सनलाइट मतलब आप जान ही रहे, सन की लाइट हमारे घर के अंदर आनी चाहिए, कुछ इस तरह से आपका घर का अरेंजमेंट होना चाहिए। डू यू नो, में भी क्लियर किया है। देखिए, ए हाउस दैट गेट्स सनलाइट एंड ब्रिज स्मेल्स क्लीन द क्लीन एंड डज नॉट अलाउ द जर्म्स टू ब्रीड। जिसके घर में अगर सनलाइट आती है और हवा पास होती है, उनके घर साफ सुथरे होते हैं और उनके घर में जो जर्म्स हैं वो बढ़ते नहीं हैं। जर्म्स टू ब्रीड का मतलब बढ़ना, जर्म्स बढ़ते नहीं है ऐसे घरों में। नेक्स्ट है, द विंडो एंड डोर शुड हैव वायर मेस। जो खिड़की और दरवाजे हैं उन पर जालियां लगी होनी चाहिए, सो दैट द मॉस्किटोज एंड फ्लाइज कैन नॉट इंटर द हाउस। ताकि जो मॉस्किटो मच्छर हैं और जो अदर तरह के फ्लाइज हैं, कैन नॉट इंटर द हाउस, घर के अंदर नहीं आ सकें। इसलिए वायर मेस लगाया जाता है खिड़की और दरवाजों पे जालियाँ। द गार्बेज शुड बी कलेक्टेड इन ए डस्टबिन। और जो गार्बेज मीन्स होता है कूड़ा करकट, जो कुछ भी कूड़ा करकट है वो हमें एक डस्टबिन में कलेक्ट करना चाहिए। अपने घर में एक डस्टबिन हमें रखना चाहिए। एंड थ्रोन इन द बिग गार्बेज बिन ऑफ द लोकेलिटी। और जो ये कूड़ा करकट आपने अपने घर के डस्टबिन में इकट्ठा किया, इसे उस जगह पर ले जाकर फेंकना चाहिए जहाँ सोसाइटी में कहीं बड़ा गार्बेज बिन है, समझ रहे हैं, कोई बड़ी जगह जहाँ पर सभी लोग कूड़ा ले जाकर फेंकते हैं, वहाँ पर हमें ले जाकर फेंकना चाहिए। वी शुड नेवर थ्रो द गार्बेज इन फ्रंट ऑफ योर हाउस और ऑन द रोड। कभी भी हम लोगों को जो कूड़ा करकट है अपने घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने, अपने घर के सामने या फिर रोड पर नहीं फेंकना चाहिए। इट कैन ब्रीड जर्म्स एंड स्प्रेड डिजीजेज। अगर ऐसा आप करते हैं तो इस तरह से हो सकता है जर्म्स बढ़ते जाएं और वो बीमारियां फैलाएं। स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना, डिजीजेज मीन्स बीमारियां। तो हमें बचकर रहना चाहिए, हमें रोड पर या फिर अपने घर के सामने ये जो है गार्बेज थ्रो नहीं करना चाहिए। नेम टू डिजीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम ओपन गार्बेज हीप्स। ऐसी दो डिजीजेज का नाम हमें बताना है जो खुले में कूड़ा करकट फेंकने के कारण होता है, ऐसे दो डिजीज बताने हैं हमको। देखिए बेटा, एक दो टाइफाइड फीवर और दूसरा फूड प्वाइजनिंग हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब कूड़ा करकट हम अपने घर के आसपास फेंकेंगे तो वहाँ पे जर्म्स बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं
और वह जर्म्स हमारे घरों तक भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे वाटर को पॉल्यूट कर सकते हैं, हमारे फूड को पॉल्यूट कर सकते हैं, दूषित कर सकते हैं। तो एक तो टाइफाइड फीवर, टाइफाइड, और दूसरा फूड पॉइजनिंग हो सकता है। और भी बहुत से डिजीजेज हैं, लेकिन टू का नाम लिया इसलिए मैंने टू के बारे में बताया। मेक श्योर दैट द बिग बीन्स आर क्लीन एंड द गार्बेज इज रिमूव्ड रेगुलरली फ्रॉम योर लोकेलिटी। आपको यह भी श्योर कर लेना चाहिए कि जहां आप ले जाकर कूड़ा फेंकते हैं, अपनी सोसाइटी के जिस भी कॉर्नर पर या जहां पर भी इकट्ठा करते हैं सभी लोग, तो फिर वहां से रेगुलर जो है गार्बेज को हटाया जा रहा है कि नहीं। रिमूव्ड मीन्स हटाना। डू यू नो द म्यूनिसिपैलिटी इन सिटीज एंड पंचायत इन विलेजेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ द गार्बेज। अगर आप शहर में रहते हैं तो ये समझ रहे हैं, शहर हो चाहे गांव हो, दोनों जगह गांव में पंचायत का और शहर में म्यूनिसिपैलिटी का वर्क है कि जहां कहीं भी कूड़ा करकट हो उसे वहां से हटाए, रिमूव करे। ये वर्क होता है पंचायत का गांव में और म्यूनिसिपैलिटी का सिटीज में। द गार्बेज इज सेपरेटेड, जब ये गार्बेज उठाकर ले जाते हैं तो फिर वहाँ पर सेपरेट करते हैं इस गार्बेज को, अलग अलग करते हैं। क्या क्या? ग्लास, पेपर एंड टिन आर रिसाइकल्ड। जो उसमें ग्लास होता है, पेपर होता है और टिन का सामान होता है, इनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, फिर से इनसे कुछ बनाया जा सकता है, ठीक है। और वेस्ट फ्रॉम फ्रूट्स वेजिटेबल इज कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट। और जो वेस्ट दूसरे तरह का हो गया, फ्रूट वेजिटेबल और अदर चीज़ों के जो छिलके होते हैं या जो भी वेस्ट निकला, उनको वो कलेक्ट कर लेते हैं अलग, और उनसे हम क्या बनाते हैं? कंपोस्ट। कंपोस्ट मीन्स खाद। खेतों में पौधों को दिया जाता है ना खाद, वही खाद। द एरिया इन फ्रंट ऑफ योर हाउस शुड बी एज क्लीन एज द एरिया इन साइड योर हाउस। आपके घर के आसपास का एरिया बाहर भी उतना ही साफ सुथरा होना चाहिए जितना आप साफ सुथरा अपने घर के अंदर अपने घर को रखना चाहते हैं। वी शुड डेकोरेट योर हाउस, यू शुड डेकोरेट योर हाउस विद प्लांट्स एंड फ्लावर्स। हम लोगों को अपने घर के बाहर सुंदर सुंदर प्लांट्स लगाने चाहिए, उनसे अपने घर को सुंदरता बढ़ानी चाहिए, सजाना चाहिए। डू नॉट स्टोर ओल्ड टीन्स, कार्डबोर्ड्स, बॉक्सेज, ब्रोकन टॉयज, ओल्ड बुक्स और न्यूज़पेपर। हम लोगों को अपने घर में जो है पुराने चीज़ें जो भी हैं, जो यूजलेस हो गई हैं, चाहे बच्चों का टूटा हुआ खिलौना हो या फिर ओल्ड पुरानी बुक्स हो, न्यूज़पेपर हो या फिर कोई कार्डबोर्ड बॉक्स हो, इन सारी चीज़ों को हमें इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए अपने घरों में। सेल देम टू द लोकल स्क्रैप डीलर फॉर रिसाइकलिंग। इन चीज़ों को हमें रद्दी वाले को बेच देनी चाहिए, जो भी चीज़ें हमारे लिए यूजलेस हो गई हैं या ओल्ड हो गई हैं और हम उनका यूज नहीं करते, केवल घर में पड़ी हुई हैं, चाहे बच्चों का टूटा खिलौना हो, ओल्ड बुक्स हो, न्यूज़पेपर हो या कार्डबोर्ड बॉक्सेज हो, इनको हमें रद्दी वाले को यानी स्क्रैप डीलर को बेच देनी चाहिए ताकि उसको रिसाइकिल करके फिर से कुछ नया चीज़ वो बना सके। रद्दी वाले आप समझ रहे हैं, वो आते हैं और आप जब उन्हें पुराना सामान देते हैं तो बदले में वो आपको पैसे देते हैं। डू नॉट लीव ब्रोकन पॉट्स टायर्स अराउंड योर हाउस और ऑन द टेरेस। हम लोगों को अपने घरों में चाहे छत पर जो भी बर्तन टूट गए हैं उनको नहीं रखना चाहिए, पुराने टायर्स को नहीं रखना चाहिए,
अपने घर के आसपास अगर है तो उसे हटा देना चाहिए, या छत वगैरह पर है तो भी। दे कलेक्ट वाटर एंड बिकम ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ मॉस्किटोज। होता क्या है, इन ब्रोकन पॉट्स और टायर्स में बारिश के दिनों में पानी भर जाता है और उसमें पड़ा रहता है पानी, और उनमें क्या होता है, मॉस्किटो घर बना लेता है उसे अपना, वहाँ पे वो अंडे दे देता है जिससे मॉस्किटो उस पानी में बढ़ते रहते हैं और हमारे लिए खतरा बनते जाते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों को हमें अपने घरों में नहीं रखना चाहिए, और चेक करना चाहिए कि घर के कूलर का पानी भी मतलब हर हफ्ते बदलते रहें, ऐसा ना हो कि पानी भर दिए और वही पड़ा है उसमें, वो भी एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा मॉस्किटो के बढ़ने का। तो इसलिए हमें कहीं भी पानी घर में कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए ज़्यादा दिन तक। वी शुड नेवर थ्रो वेस्ट मटेरियल्स इन पब्लिक प्लेसेस फ्रॉम कार विंडोज। हम लोगों को कार से या बस से हम जा रहे हैं कहीं, तो हम लोगों को रोड पर वेस्ट मटेरियल्स को नहीं फेंक देना चाहिए। अक्सर हम और आप ऐसा करते हैं जो कि बहुत ही गलत है। पब्लिक प्लेस पर भी इस बात का ध्यान देना चाहिए। पब्लिक प्लेस मतलब ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं, तो ऐसी जगह पर हम लोगों को क्या है कि जो कुछ भी खाए पिए हम लोग वहीं पर वेस्ट फेंक देते हैं। इट इज़ ए बैड हैबिट। कीप एम्प्टी पैकेट्स आइसक्रीम कप्स विद यू टिल यू रीच ए डस्टबिन। आपको जो भी चिप्स वगैरह के पैकेट्स हैं, आइसक्रीम के कप हैं, उनको एक पॉलिथीन में भर के रख लेना चाहिए तब तक जब तक कि आप किसी डस्टबिन के आसपास नहीं पहुंच जाते हैं। बच्चों, हमें सफाई का बहुत ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट चलिए एक और बात। बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताएं, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। वी मस्ट एक्ट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेक केयर ऑफ अवर हाउस। हमें देखिए घर का ख्याल बहुत ध्यान रखना चाहिए। घर के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होती हैं हम लोगों की। नेबरहुड मीन्स पड़ोसियों के प्रति, सिटी के प्रति, विलेज के प्रति और अपने स्टेट के प्रति। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ना बच्चों, जिम्मेदारी। तो इन सब चीज़ों के प्रति हम लोगों की कुछ जिम्मेदारी होती है और हम लोगों को उस जिम्मेदारी को बहुत ईमानदारी से निभाना चाहिए। और जिम्मेदारी क्या है, अपने घर, अपने आस पड़ोस, अपने शहर, अपने गाँव और अपने स्टेट को हमें साफ सुथरा रखने का प्रयास करना चाहिए। वी शुड फॉलो 3 hours ऑफ गार्बेज डिस्पोजल। हम लोगों को 3 hours होते हैं, इनको फॉलो करना चाहिए। गार्बेज डिस्पोजल यानी कूड़ा करकट को ख़त्म करने का ये एक फार्मूला दिया गया है, 3 hours। तो चलिए देखते हैं पहले आर से क्या है। रिड्यूस, सबसे पहला है रिड्यूस द वेस्ट मटेरियल। जो वेस्ट मटेरियल हमारे घर से ज़रूरत से ज़्यादा निकल रहा है उसको कम करें। कम करने का मतलब कि हम उतना ही खाना बनाएं जितना हम खा सकते हैं, ताकि हमको फालतू खाना बाहर फेंकना ना पड़े। हम उतने ही कपड़े लें, उतना ही सामान लें अपने लिए जितना हम यूज कर सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सामान हम ना लें। तो इससे क्या होगा, वेस्ट मटेरियल रिड्यूस हो जाएंगे। दूसरे आर से है, 3 hours से ना, तो फर्स्ट आर से रिड्यूस, सेकेंड आर से रीयूज। रीयूज का मतलब फिर से उपयोग किया जा सके, फिर से प्रयोग किया जा सके। द थिंग्स लाइक जार्स एंड बॉटल्स, जो भी सामान आप ऐसा लाते हैं जो कि जार्स के थ्रू आता है या बॉटल्स में आते हैं, तो उन बॉटल्स को हमें बार बार यूज में लाना चाहिए, उन्हें वेस्ट में हमें फेंकना नहीं चाहिए। उसमें कोई सामान रख सकते हैं हम, तो ऐसे सामान जो रीयूज करने लायक हैं हमें बार बार उसे यूज करते रहना चाहिए। थर्ड आर है रीसाइकिल। रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल। रीसाइकिल मतलब जिनसे फिर से कुछ बनाया जा सके, ऐसे सामान, तो पेपर, ग्लास, क्लॉथ्स, ये सब रीसाइकल वेस्ट मटेरियल्स हैं। अगर आपके घर में पेपर है
ग्लास है, क्लॉथ्स है, पुराने कपड़े, तो इनको अब जैसे पुराना कपड़ा है आप नहीं पहन रहे हैं और फटा हुआ नहीं है, साफ करके उसको प्रेस करके किसी भी ऐसे पर्सन को दिया जा सकता है जिसके पास कपड़े ना हो पर्याप्त, तो वो रीयूज करने लगा, इसको रिसाइकिल भी कर सकते हैं। कुछ लोग आते हैं जो पुराने कपड़े भी लेते हैं और बदले में बर्तन वगैरह देते हैं, तो ये सारे सामान पेपर को फिर से रिसाइकिल करके नया सामान बनाया जाता है, ग्लास को रिसाइकिल करके नया सामान बनाया जाता है, ठीक है। तो हमें इन सामानों को रिसाइकिल करने चाहिए। आप सोच रहे होंगे बच्चों कि ये कैसे रिसाइकल होगा, तो इसका तरीका ये होता है कि जो स्क्रैप डीलर्स होते हैं, रद्दी वाले, वो हमारे घर आते हैं और हमसे पुराने सामान खरीद कर ले जाते हैं, हमको पैसा देते हैं बदले में। अब वो पुराने सामान को ले जाकर एक बड़े, जैसे ये छोटे छोटे स्क्रैप डीलर हैं, तो शहर में बड़े बड़े भी स्क्रैप डीलर होते हैं जिसके पास ये छोटे स्क्रैप डीलर जाते हैं, तो ये अपना जो भी वेस्ट मटेरियल लोगों से खरीदे इसको वो ले जाकर बड़े स्क्रैप डीलर को बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। तो जब उसे सेल कर देते हैं तो वो भी बदले में पैसा पा जाते हैं, जितना पैसा हमको देते हैं उससे ज़्यादा पैसा वो बड़े स्क्रैप डीलर से पा जाते हैं। अब ये बड़ा स्क्रैप डीलर क्या करता है, ये क्या करता है, इस पैसे को, अरे इस वेस्ट मटेरियल को ये अलग अलग करता है, जो मतलब रीयूज वाले मटेरियल्स हैं और जो रिसाइकल वाले मटेरियल्स हैं इनको अलग अलग करता है, और फिर बड़ी बड़ी कंपनियों को ये ले जाकर बेच देते हैं। बड़े वाले स्क्रैप डीलर बड़ी बड़ी कंपनियां, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं, उनको ले जाकर ये सारा मटेरियल बेच देते हैं, और वो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चर्ड कंपनियां इन बड़े स्क्रैप डीलर्स को बदले में अच्छा खासा इनकम देती हैं, पैसा देती हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं, आपके द्वारा फेंका गया वेस्ट मटेरियल या बेचा गया वेस्ट मटेरियल कैसे बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चर्ड कंपनियों के पास पहुंच गया, और वो कंपनियां फिर से इन चीज़ों को रिसाइकल करके पेपर को, ग्लास को, प्लास्टिक को, क्लॉथ्स को रिसाइकल करके चेयर बनाती हैं, जार बनाते हैं, और भी बहुत से सामान बनाते हैं, और फिर वही सामान मार्केट में आ जाता है पैक होकर नया नया, और फिर हम जाते हैं और मार्केट से इन सामानों को फिर हम खरीद के अपने घर लाते हैं। तो देखा आपने कि कैसे वेस्ट मटेरियल को बड़ी बड़ी कंपनियों ने फिर से एक नए सामान में कन्वर्ट कर दिया, और फिर उस नए सामान को हम लोग खरीद के ला रहे हैं और यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों जो है वेस्ट मटेरियल का रीयूज होता है, उसे रिसाइकिल करके। आगे देखते हैं, अवर पेट्स शेयरिंग अवर शेल्टर्स। अक्सर पेट्स का मतलब होता है ना जो पालतू एनिमल्स होते हैं हमारे घरों में, कोई कैट पालता है, कोई डॉग रखना चाहता है, कोई रैबिट रखता है, कोई माउस रखते हैं, रैट वगैरह, ठीक है, कोई पैरट रखता है। तो इस तरह से बहुत से पेट्स हम सब अपने अपने घरों में रखते हैं और हमारे घरों में वो हमारे साथ रहते हैं। शेयरिंग अवर शेल्टर्स का मतलब हमारे घर को शेयर करते हैं, हमारे साथ रहते हैं। राघव हैज ए पेट डॉग, उसका नाम टैनी है, इट इज 5 ईयर ओल्ड, उसकी एज कितनी है, 5 ईयर्स। इट हैज ए वाइट फर, उसके बाल वाइट हैं, विद पैचेज ऑफ ब्राउन, ब्राउन कलर के उसके शरीर पर धब्बे हैं, धब्बे का मतलब दाग जैसा है जगह जगह। राघव बाथ्स एंड कॉम इट रेगुलरली, राघव से रेगुलरली रोज नहलाता है और कॉम करता है। एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग टैनी इज टेकन फॉर ए वॉक, राघव उसे टैनी को शाम को और सुबह वॉकिंग के लिए ले जाता है। राघव पेरेंट टेक टैनी टू ए वेटरनरी डॉक्टर फॉर रेगुलर चेकअप, और राघव के जो पेरेंट्स हैं वो टैनी को रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं।
टैनी लाइक्स मिल्क एंड बिस्किट्स, टैनी को मिल्क और बिस्किट बहुत पसंद है। राघव एंड हिज पेरेंट्स आर वेरी केयरफुल अबाउट वॉशिंग देयर हैंड्स विद सोप आफ्टर प्लेइंग विद और फीडिंग टैनी। राघव और उसके पेरेंट्स एक बात के लिए बहुत ज़्यादा मतलब केयरफुल है, ध्यान देते हैं कि अगर उन्होंने टैनी को खिलाया है, उनके उसके साथ प्ले किया है या फिर उसको खाना खिलाया है तो वो अपना हैंड्स सोप से ज़रूर धुलते हैं। दे डू नॉट अलाउ टैनी टू जम्प ऑन देयर बेड्स एज डॉग कैन स्प्रेड जम्प्स। ये इतना प्यार करते हैं टैनी से, लेकिन इसके बाद भी वो टैनी को यानी उस डॉग को अपने बेड पर जंप करने के लिए या बैठने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों जंप कितना भी आप साफ सफाई कर लीजिए एनिमल्स की, लेकिन उनके बॉडी पर कुछ ना कुछ जंप्स रह ही जाते हैं। टैनी हैज ए स्मॉल बेड, इसीलिए टैनी का उन्होंने एक अलग स्मॉल बेड बना रखा है जिस पर टैनी रेस्ट करता है। इसी तरह लोकेश हैज फोर हेंस एंड ए कॉक। लोकेश के पास फोर हेंस हैं और वन कॉक है। दे लीव इन ए कूप। आप देखे होंगे कि जो मुर्गियाँ होती हैं हेन और कॉक, उनको रखने के लिए एक प्लेस बनाया जाता है जाली से, उसी को कूप कहते हैं। एवरी मॉर्निंग बड़ा रहता है वो जगह जिसमें हम और आप भी जा सकते हैं। एवरी मॉर्निंग लोकेश कलेक्ट द फ्रेश एग्स। हर सुबह जो है लोकेश फ्रेश एग्स को कलेक्ट करता है उसमें से कूप में से। ही स्वीप्स द कूप फीड्स द हेन विद ग्रेन एंड गिव्स देम फ्रेश वाटर। हर दिन वह जो कूप है हेंस और कॉक्स का उसको सफाई करता है, स्वीप मीन्स झाड़ू लगाता है, उन्हें खाना देता है, ग्रेन मीन्स अनाज उनको देता है कुछ ना कुछ, एंड गिव देम फ्रेश वाटर, उन्हें फ्रेश वाटर रखता है पीने के लिए। आफ्टर पुटिंग द एग्स इन ए बास्केट ही वॉशेज हिज हैंड्स प्रॉपरली विद सोप्स। जब वो एग्स को कलेक्ट करके एक बास्केट में एक टोकरी में रख लेता है तो उसके बाद सोप से साबुन से अपने हाथ को बिल्कुल सही तरीके से वॉश करता है। एज मेनी डिजीजेज ऑफ बर्ड्स कैन बी पास्ड ऑन टू ह्यूमन बींग्स। ऐसा वह इसलिए करता है क्योंकि अगर वह सही से हाथ नहीं साफ करेगा तो हो सकता है कि कोई जो है जम्प्स उसके बॉडी में चला जाए, जो कि बर्ड्स के बॉडी पर जम्प्स होते हैं, तो इसलिए वो हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करता है। इट इज़ वंडरफुल टू हैव पेट्स हु शेयर आवर होम्स विद अस। ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे घर में कोई पेट्स है और वो हमारे साथ रहता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लव देम कीप देम क्लीन एंड फीड देम प्रॉपरली। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है बच्चों कि हम उन्हें प्यार करें, उन्हें साफ सुथरा रखें और उनके खाने पीने का ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि जब आप पेट्स को अपनी जिम्मेदारी पर अपने घर में ले आए हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप केयर ऑफ देम, उनका ध्यान रखना, समय समय से उनको खाना देना, उन्हें नहलाना और फिर उनको प्यार करना। ओके बच्चों, इस चैप्टर के एक्सरसाइज का वीडियो मैं बहुत जल्द बनाऊंगा, देन यू शुड वॉच इट। और वीडियो अगर पसंद आया हो आपको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।